अब समझे कितनी बार कहूं ये नामुमकिन है। देखो अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम मारे जाएंगे और ये ग्रह भी खत्म हो जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, होश में आओ। माजिन बू उन सबको खा रहा है जिन्हें हम चाहते हैं। वो सबको मार चुका है, बुलमा को भी। वो बू का हिस्सा बन गए हैं और वो मर भी नहीं सकते। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं कि अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर सिर्फ इस बार, सिर्फ एक बार साथ लड़े? ये तुम्हारा फर्ज बनता है, हमारी टीम, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों की खातिर। देखो तुमने हमेशा हमारी सेयन जाति के बारे में बात की है कि कैसे अब सिर्फ हम ही बचे हैं। वक्त आ गया है ये मानने का कि हम एक नई जाति की शुरुआत कर रहे हैं, वो जो उतनी ही ताकतवर और गौरवशाली हो सकती है। पर अगर हम पुराने झगड़ों में उलझे रहे और उसे ना देख पाए जो हमारे सामने है, तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी पुरानी जाति खो चुके हैं वेजिटा, अब हमें इसको नहीं खोना चाहिए। ट तुम्हें कैसे मालूम कि ये फ्यूजन उसको रोकने के लिए काफी होगा? मैं भी यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, पर इतना पता है कि पृथ्वी को बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बहुत सांस से उधार दे चुका हूँ मैं तुम्हें। लाओ वो मुझे दे दो। अब सोच क्या रहे हो, दो जल्दी दो। तो फिर लो, ये मेरा आखिरी हमला होगा। कम ऑन, तुमने राइट का नहीं कहा था ना? हाँ यही कहा था। एक और बात वेजिटा, जब हमारे शरीर जुड़ जाए उसके बाद हम उसी रूप में रहेंगे हमेशा के लिए। बेवकूफ, ये आप बता रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ऐसी जरूरी बात पहले बतानी चाहिए थी? सबको मार डालूंगा। हो गया, डाल लिया। शाबाश, शुक्रिया वेजिटा। देख रहे हो मेरी फुर्ती, अब सोच लो तुम्हारा क्या होगा। सोच में पड़ गया है, अच्छी बात है। माफी चाहूंगा, मैंने तुम्हें हैरान तो नहीं कर दिया? वेजिटा और गोकू को साथ में क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से वेजिटो सही रहेगा। मैं घबरा रहा था कि हम दोनों के शरीर मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पर अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वो दो जिनसे मैं पहले लड़ रहा था मुझे बोर कर रहे थे, लगता है अब इस मुकाबले में कोई नया रंग आएगा। यूहू। ऐसा मत करो। Ha ha ha!
बहुत बहुत शुक्रिया, अब शरीर कुछ गर्म होने लगा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, देखता हूँ जब मेरे जंगल में फंसोगे उसके बाद क्या कहोगे। शर्म की बात है, इतनी बुरी हालत अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अच्छा था, अब मेरा खून काफी तेज दौड़ने लगा है। एक और बार कर दोगे? माफी चाहूंगा, पर अभी शरीर थोड़ा नया नया है। शायद तुम मेरी बात समझ रहे होगे, तुम हमेशा शरीर चुराते जो रहते हो। इस दो लोगों के फ्यूजन का तुम पर एक ही असर हुआ है, तुम्हारी नासमझी पहले से दोगुनी हो गई है। तुम खुद को समझदार समझते हो? ये क्या, ये तुमने क्या कर दिया मुझे? अब ये हुई ना कुछ बात। अच्छा था, तो मतलब ये बात सच है कि बकबक करने के अलावा भी तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ आता है। तुमने बकबक कहा, काफी अच्छा लफ्ज है। जरूर तुमने ये मेरे उन बेटों से चुराया होगा। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। खुद को ताकतवर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते रहना चाहिए, यही वजह कि आज पूरा ब्रह्मांड मुझसे कांपता है। ये खबर पुरानी है और अब जल्द ही तुम्हारी खबर आनी ही बंद हो जाएगी। ये मत सोचा कि मैं हार गया हूँ। Thank you.
तुम ऐसा करोगे? क्या पूछ रहा हूं? हाँ, पूछना जरूरी था। जब भी मैंने किसी ग्रह को नष्ट किया है, उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया है। ये जबरदस्त तबाही और बर्बादी का नतीजा है। अब हम कैच कैच खेलेंगे। अगर ये जमीन पर गिर गया तो तुम इस ग्रह को भी अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाना। तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? अब सब तुम्हारे हाथों में है। बॉल को गिरने मत देना। मैं तुमको यहाँ पर उतार देता हूँ। पर एक मिनट, मैं चैंपियन हूँ। बिल्कुल शोर मत करिए मिस्टर सेटन, वरना माजिन वो हमें यहाँ पर ढूंढ लेगा। तो खेलने के लिए तैयार हो ना? क्या तैयार? ना जाने इससे तुम्हारा मतलब क्या है। अगर तुम्हारा मतलब ये है कि मैं हर तरह से तुमसे बेहतर हूँ तो हाँ। क्या कहा? मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करो। मैं एक शर्त लगाता हूँ, क्या तुम ये जगह देख रहे हो? मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तुम जैसे को इतनी हिम्मत शोभा नहीं देती, और अगर तुम वहीं से खेलना चाहते हो तो फिर यही सही। इस बार जरूर हारोगे। लो अब तुम्हारी बारी। कहना पड़ेगा कि तुम बहुत देर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अगर तुम एनर्जी की उस बॉल को स्पेस में पहुंचा सकते हो तो तुम मुझसे पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, पर फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। तुम गलत हो बू, तुम्हारा अंत मेरे हाथों में लिखा है। Ah!
बॉस, मेरी मदद करो। अब मुझे सुपर वेजिटो कहो। सुपर बू, सुपर वेजिटो, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता, पर फिर भी हमें आंकड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे पास 2 सैयंस है और मेरे पास 3, और नेमेक को तो मैं भी गिन ही नहीं रहा हूँ। यहाँ संख्या नहीं क्षमता चाहिए दोस्त, और वैसे भी हमने अपहरण करके अपना मेल नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है घटिया चालों से तुम युद्ध जीत सकते हो तो फिर साबित करो। बहुत हो चुका, बहुत बोलते हो तुम, लेकिन आज के बाद तुम किसी से कुछ नहीं बोल पाओगे। तुम्हारा खेल खत्म। आखिरी मौका दे रहा हूँ, हार मान लो। ए, तुम्हें मालूम है तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, नाक साफ कर लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और जब ऐसा होता है तो बहुत बुरा होता है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तुम्हारा निशाना तो बहुत ही बेकार है, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? अब ध्यान से देखना कि ये काम कैसे किया जाता है। क्या ये क्या है? अब भी बात नहीं आओगे? के पिछले एपिसोड में तमाम कोशिशों के बाद भी शैतान माजिन बू सुपर सैयन वेजिटो के सामने नहीं टिक पा रहा था। वो सुपर सैयन वेजिटो जो महान योद्धा गोकू और वेजिटा के फ्यूजन से बना था। अब हो जाया बू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये संभालो। वो अपनी हार से बौखला रहा था, क्योंकि अब तक कोई भी दुश्मन उसकी ऐसी बुरी हालत नहीं कर पाया था। हालांकि उसने पृथ्वी की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। इधर वेजिटो के लिए, जो कि 2 सबसे महान सेंस के मेल से बना था, दुनिया के सबसे खतरनाक शैतान से लड़ना किसी खेल से ज्यादा नहीं था। माजिन बू अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और फिर आखिर इस हद तक बढ़ गया कि उसने पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद को ही हिला डाला। जैसे
जैसे जैसे डायमेंशंस के बीच की सीमाएं खत्म होने लगी, वेजिटो के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो किसी भी तरह से बू को रोकना या फिर पूरे ब्रह्मांड की बर्बादी का गवाह बनना। लेकिन असली सेम स्टाइल में वेजिटो ने माजिक बू के हर सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और सबसे बड़ी अनहोनी होने से टालने में कामयाब रहा। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, और इस बात का यकीन है कि तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, फिर भी उस तकनीक को आजमा कर देख सकते हो जो तुमने छुपा कर रखी है। बहुत ताकत है, पर इसे बर्बाद मत करो। इसे मुझ जैसे किसी पर आजमा कर तो देखो। अब इसका फिर से जुड़ पाना नामुमकिन होगा। तुम्हें क्या लगा वेजिटो, खेल खत्म हो चुका है? हाँ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। शांत हो जाओ, इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तुम सिर पर इतने बड़े केले के साथ बहुत अजीब लगते थे, कम से कम अब देखने के लायक तो हो। तुम, मुझे तुमसे नफरत है। कभी नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो चुका। ये बात तुम मुझे कहनी चाहिए थी। हे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक तुम अपनी हर लड़ाई जीते हो, लेकिन कभी ना कभी सभी को अपना गुरु मिल ही जाता है। नहीं, मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। Oh, my God.
सुपर घोस्ट कामिकाजी अटैक। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये गोटेंक्स का अटैक है। ओ, तुम्हें मालूम है, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये घोस्ट कितने खतरनाक हैं। छूने भर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने सोचा था तुम कोई अच्छी चाल चलोगे। बैंशी ब्लास्ट। तो तुम समझ रहे थे कि तुम्हारा ये हमला बहुत जबरदस्त होगा। कब तक यूं ही बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? अब चलो कुछ बेहतर करके दिखाओ। मुझे यकीन है तुम इससे अच्छा कर सकते हो। मैं जानता था इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो बस यूं ही आजमा रहा था। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों के हमलों के तरीकों से वाकिफ हूँ, इसलिए नया दांव तैयार किया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम सोच रहे हो कि ये पहले जैसा ही है? तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, मैंने देखा इस बार तुमने कुछ ज्यादा गंदगी फैलाई है। बेवकूफ, ये मजाक महंगा पड़ेगा। सुपर कामिकाज़ी घोस्ट अटैक। मेरी टेक्निक के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। घेर लो उसे। मेरे हमलों का मजाक उड़ा रहे थे, अब पता चला। अब देखता हूँ तुम कैसे उठ पाते हो। कहाँ है उसका जला हुआ शरीर? जरूर उस मलबे के नीचे होगा। हाँ, वही होना चाहिए। बहुत खास तो नहीं था, हाँ, पर पहले से बेहतर था। ये कैसे किया तुमने? इंस्टेंट ट्रांसमिशन। सफर करने का बस यही एक तरीका है। वैसे वो कामेहामेहा वेव को इस्तेमाल करने का आइडिया बुरा नहीं था अबू। नहीं, सच में। और फिर वो मैजिक फ्लैश, वाह, उससे मेरी जान भी जा सकती थी। कहीं मैं ज्यादा ही तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटी सी खरोच तो आनी चाहिए थी। Thank you.
महसूस हो रहा होगा मैं कहाँ हूँ। अब भी वक्त है, मेरी मानो तो हार मान लो। हरगिज नहीं बेवकूफ, फ्यूजन के बगैर तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। अच्छा, और तुम बहुत महान हो, तुम्हें तो तुम्हारी ताकत मेरे बेटों और दोस्तों को खाने से मिली है। तो छिलो उसे। मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चल रही है, फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो। तुम्हारे अहम ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम हालात को समझ नहीं पा रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हार मान लो। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें खत्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। अब ये तुम पे है, तुम चाहो तो अपने घुटने टेक सकते हो। समझ, मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा। हाँ, अभी एक और उम्मीद बाकी है। बहुत बोल चुके तुम। तुम जानते हो कि तुम जीत नहीं सकते हो, इसीलिए मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुका हूँ कायल। क्या हुआ, क्या डर गए हो? हाँ, ये हुई ना बात, तो हो जाए। और बॉस आओ, तुम सिर्फ कागज के एक शेर हो, आओ हो जाए, आओ भी। ठीक है, आज इस खेल को खत्म ही कर देते हैं। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, तुम बहुत ही अच्छी कैंडी बनोगे। Majin Buu! कॉफी फ्लेवर्ड कैंडी, वो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं तुम्हें चबाऊं या चाट कर मारूं? देखो तो इन महान योद्धाओं को। हाँ, तुम बहुत मीठे हो। मुझसे बात करो बटरकप, एक बार फिर से कहो ना। हाँ कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और क्या था? अरे हाँ, तुम चाहते थे कि मैं अपनी गलती मानकर अपने घुटने टेक दूं। हाँ, याद है ना? मौत की घड़ी आ गई। तुम्हें खुद को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, तुम अब भी बोल पा रहे हो? मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लगता है मेरी सारी ताकत वापस आ गई है। मैं कोई आम कैंडी नहीं हूँ, मैं दांत तोड़ने वाली कैंडी हूँ। मुझसे ताकतवर कैंडी तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। बेवकूफ मत बनो माजिन बू, हार मान लो, अब भी देर नहीं हुई। पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हारे सामने हार क्यों मानूंगा? तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो तो फिर कोशिश कर लो, पर मैं होशियार कर देता हूँ। इतनी फुर्तीली और छोटी चीज पर हमला करना आसान नहीं होगा। हमला? मजाक कर रहे हो क्या? ना तुम्हारे हाथ हैं, ना पैर हैं, मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ठीक है, खाओ मुझे। मैंने कहा था ना, हार मान लो, कम
रहे हो तुम भी। लगता है आज तुम्हारी किस्मत में कैंडी खाना नहीं लिखा है। अब जब तुम मुझे खा नहीं रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपना नया पैतरा दिखाता हूँ। अब जाओ मेरे मुंह में। अपनी हरकतें बंद करो, मर्द की तरह लड़ो। मर्द दिख रहा है। बात क्या है, शायद तुम मुझे खाना चाहते थे, मैं तो तुम्हारे मुंह के अंदर भी गया था, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। चलो क्या हुआ भू? फिर से करे क्या, या फिर तुम मुझसे मेरे असली रूप में लड़ना चाहते हो? मम्मी, ओ मैं पहले जैसा हो गया, भूख मर गई क्या? हाँ, ज्यादा कैंडी खाना अच्छी बात नहीं होती है, दांत भी सड़ जाते हैं। ठीक है, हमें मालूम है तुम बहुत बहादुर हो, प्लीज दुश्मन पर ध्यान दो, उसे खत्म कर दो। तुम्हारी तो हालत खराब हो रही है माँ चिंगू, क्या तुम इसी तरह मरना चाहोगे? हाँ, तुम तो बड़े योद्धा बन रहे थे। अभी और भी है वो। जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, फिर से सोच लो। क्या सोच लो? तुम खाली पेट लड़ रहे हो, अब मैं तुम्हारे पेट में पंच मारना चाहूँ तो भी कैसे मारूंगा? बहुत हुआ,
अब मैं बहुत बोर होने लगा हूँ, ये खेल खत्म होना चाहिए। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? होश में आओ, तुम होश में आओ, या तुम इतने नादान हो कि तुम्हारी और मेरी ताकत के बीच का फर्क नहीं देख पा रहे। वाह क्या हौसला है। सिर्फ 10, मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा बू, आखिरी समय में तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, उसके बाद तुम्हें मरना है। 1, 2, 3। तुम इंतजार नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, अगर चाहो तो अब भी मुझ पर हमला कर सकते हो, अब सब तुम पर है। 4, 5, 6। कोई तो तरीका होगा उसको खत्म करने का, पर क्या? इसके साथ आमने सामने लड़ना तो मुश्किल है। मेरा है टेंटिकल। बेवकूफ, अब समझ में आया कि मैं क्या भला हूँ? मेरा नाम माजिन बू है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। Yeah!
मुझे कुछ लोगों को मारना नहीं चाहिए था। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुने बिना मजा नहीं आता है। इस खूबसूरत जगह को नष्ट करने में बहुत मजा आएगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं बदल क्यों नहीं रहा हूँ? हाँ, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। शायद उसे पचाने में वक्त लगेगा, पर जब वो पच जाएगा मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब ऐसा कोई नहीं बचेगा जो मुझे रोक सकेगा। जल्दी ही मैं पूरे ब्रह्मांड पर अकेला मालिक बन जाऊंगा। इससे गंदी और कोई जगह नहीं हो सकती। कहाँ फंस गया? फ्रूट केक। एक तो ये जगह वैसे ही गंदी है, ऊपर से मुझे इसकी पागलों जैसी हंसी भी सुननी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा बैरियर मुझे बचाने में कामयाब रहा है, वो मुझे अब तक नहीं बचा पाया। खैर, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। यहाँ से निकलना वैसे भी आसान नहीं होगा। बाकी सब भी यही कहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ, पर कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बैरियर को छोड़ते ही हमारा शरीर अलग क्यों हो गया? मुझे कैसे पता होगा? बड़ी अजीब बात है, मुझे बताया गया था कि इन इयररिंग से एक बार अगर हम जुड़ गए तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे। शायद इस बार किस्मत मेरी साथ है। मैं हूँ और तुम हो कैकरॉट, और यही मैं चाहता था शायद इसलिए। ये क्या कर रहे हो? इसको कान में डालो। हो सकता है बू के शरीर को छोड़ने के बाद हम फिर से मिल जाएं, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं रहे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। उसने मजा लिया। वेजिटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब हमारे पास अपने शरीर को फ्यूज करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम मिलकर बू को हरा सकते हैं तो हमें मिले रहना चाहिए? नहीं, मैं अकेला आजाद रहना चाहता हूँ, और वैसे भी हम उसे ऐसे ही हरा सकते हैं कैकरॉट। तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ, अगर हम रोहन और बाकियों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहे तो मेरा यकीन मानो, इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि बू पहले जैसा नहीं हो जाएगा। यही तो पता लगाना है, और वाकई ये काम बहुत दिलचस्प होगा। हाँ वो तो है, मेरा मतलब नहीं। अब जो भी करना है जल्दी करो कैकरॉट, वो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को उड़ा सकता है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो।